वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ सागा माई नेम इज मनमीत अरोड़ा एंड आई मेक वीडियोज अराउंड फैशन ब्यूटी एंड ट्रैवल मैं आपको दिखाऊंगी पांच छह अलग अलग बेरे कैप्स और खास बात यह है इस वीडियो की कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेस्ट बेरे कैप कहाँ से लेनी है और कितने की लेनी है तो so, बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट गड विथ टूडेज वीडियो बेरे कैप्स तो हर लड़की के विंटर वार्डरोम में होनी ही होनी चाहिए लाइक इट्स अ मस्ट और मुझे तो बेरे कैप्स से अलग ही प्यार है मैं लिटरली हर साल एक दो बेरे कैप्स ले ही लेती हूँ अलग अलग कलर्स की और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे इस बेसिक ब्लैक बेरे कैप से तो पहली बात तो आई थिंक इसका फैब्रिक इज सो so गुड मैंने ये मेरे कैप शीन से ली थी तो फटाफट फड़ से मैंने इसको अपने बालों में सेट कर लिया है और आप देख सकते हो कि ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये आपके पूरे आउटफिट को ना एक कमाल का लुक दे देगी लाइक अगर आपका सिंपल आउटफिट भी है ना तब भी अगर आप ये लगा लो ना यू विल रॉकेट ट्रस्ट मी तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी बेरे कैप की विच इज इन द कलर बेबी पिंक आई अगेन लव दिस कलर एंड ये भी मैंने शीन से ली थी और गाइज मैं आपको ना ये जरूर बताऊंगी वीडियो के एंड में कि ये सारी कैप्स अब आप कहा से ले सकते हो तो प्लीज यार एंड तक देखना ओके okay? तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको एक दूसरे तरीके से पहना है वो मैंने एक अलग तरीके से पहनी थी और ये मैंने एक अलग तरीके से पहनी है कहते हैं हमारी तीसरी बेरे कैप की विच इज द कलर ब्लड रेड ओके तो ये भी मुझे ऑब्वियसली काफी प्यारी लगती है बट इसमें एक प्रॉब्लम है इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही लाइक लो क्वालिटी का फैब्रिक है मुझे नहीं पता था कि इतना लो क्वालिटी निकला था मैंने ये कैप मंगवाई थी क्लब फैक्ट्री से अगेन इट इज ऑल्सो अ चाइनीज ऐप तो अनफॉर्चुनेटली वो भी इंडिया में बैन हो गई बट कोई बात नहीं मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी इन सब कैप्स का कि आप कहाँ से इतनी रीजनेबल कैप्स ले सकते हो तो यूजअली मिंत्रा और अरबेनिक वगैरह पे काफी एक्सपेंसिव कैप्स पड़ी हैं एंड मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उतनी एक्सपेंसिव कैप्स लो क्योंकि विंटर्स हार्डली दो तीन महीने की होती हैं और उसमें भी हम कभी ये कैप्स पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप हजार रुपए की या दो हजार रूपये की कैप ले लो तो बात करते हैं हमारी इस कैप की तो मैं आपको इसका फैब्रिक दिखा देती हूँ लाइक इसका ना काफी ज्यादा लो क्वालिटी फैब्रिक है और इसका लाइक यू नो जो एक लुक है वो भी काफी एवरेज सी आती है बहुत ही खास लुक नहीं आती जैसे ब्लैक वाली की आ रही थी या इस वाली की आ रही है करते हैं हमारी चौथी कैब की विच इज दिस वन विच इज अंदर कलर ग्रे और ये मैं लेके आई हूँ काफी लड़कियों की फेवरेट जगह से जो कि है सरोजनी नगर यस मुझे पता नहीं कैसे सरोजनी में बेरे कैब मिल गई नहीं तो यूजुअली वहां नहीं होती है बेरे कैब्स और ये कोई बेसिक भी नहीं है इसके अंदर आप देखो तो इसमें ये पर्ल्स भी लगे हुए हैं छोटे छोटे जो कि काफी क्यूट लग रहे हैं तो गाई ये ना मेरी लीस्ट फेवरेट बैरे कैप है मुझे इतनी पसंद नहीं है मैं बस रोजनी से ले आई क्योंकि मुझे तब अच्छी लग रही थी बट जब मैं इसे घर लेके आई आई वॉज लाइक मुझे नहीं लेनी चाहिए थी ये ये इतनी खास नहीं है प्लस इसकी ना जो लुक है ना वो भी इतनी बेरे कैप वाली है नहीं इसकी लुक थोड़ी बीनी स्टाइल है तो यू you नो know, हम कह सकते हैं कि इट्स अ बीनी कम बेरे कैप समथिंग लाइक दैट बट जो भी है ये कैप ठीक लग रही है इतनी भी बुरी नहीं लग रही है लाइक द कलर इज ऑल्सो रियली नाइस मेरे पास एनी वे ग्रे कलर था नहीं और किताब बात करते हैं हमारी फिफ्थ कैप की विच इज वन ऑफ माई फेवरेट 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 बेरी कैप्स उसका फैब्रिक सबसे ज्यादा डिफरेंट है इन सब कैप्स में से जो कि है ये कैप एंड इट्स ऑल्सो मैचिंग फ्रॉम माय स्वेटर टुडे काफी अच्छी लग रही है और दूसरा अगर आप ध्यान से देखो इसका जो फैब्रिक है वो काफी डिफरेंट है फर टाइप फैब्रिक है और मुझे ये काफी प्यारा लगा एंड गाइज दिस वन ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम क्लब फैक्ट्री तो ये वाली कैप और रेड वाली कैप मैंने साथ में मंगवाई थी मैं एक्सपेक्ट करी थी कि दोनों का फैब्रिक सेम आएगा बट दोनों का फैब्रिक अलग आया उसको देखकर मैं डिसअपॉइंट हो गई थी बट इसको देख के अगेन मेरा मूड अच्छा हो गया था एंड दिस वन ऑल्सो आई गॉट फॉर रूपीज वन फिफ्टी और गाइज अब हम बात करते हैं उस कैप की जो आप एक्चुअली में जाके अभी के अभी परचेज कर सकते हो फ्रॉम मीशो और ये रही वो कैप, आई मीन जस्ट लुक एट द कलर कितना सुंदर कितना इंग्लिश कलर है मुझे जब मैंने ये ऐप में देखा कलर आई वॉज इन लव विद इट एंड आई वॉज लाइक मुझे ये ऑर्डर करना ही करना है एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी जितने भी कलर्स मैंने आपको अभी इस वीडियो में दिखाए येलो ब्लैक पिंक रेड ग्रे सारे कलर्स मीशो पे अवेलेबल हैं और मैंने ये कैप मंगवाई वहां से इस कलर में तो अगर आप कोई और कलर ऑर्डर करोगे यू विल बी गेटिंग दिस फैब्रिक ओनली ये बेहद कैप मैंने मंगवाई है तीन की जितने की मैं पहले चीन वगैरह से मंगवाती थी uh, लास्ट ईयर मैंने देखा था मीशो पे लास्ट ईयर ऐसी कैब अवेलेबल नहीं थी मीशो पे बट आई एम सो ग्लैड की फाइनली दे आर अवेलेबल ऑन मीशो एंड ऑन अ वेरी गुड प्राइस नहीं तो एमेजोन पे ना ये सेवन हंड्रेड रुपीज की पड़ी है एट हंड्रेड रुपीज की भी पड़ी है जो कि मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगी मंगवानी पिछले साल और इस साल मैंने ये मंगवाई एंड ट्रस्ट मी आई लव द फैब्रिक आई लव द कलर आप कोई भी कलर उठाओगे दे हैव लाइक प्लेंटी ऑफ कलर अवेलेबल ऑन मीशो दिस वॉज इट इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो एंड होती है आपको सारी मेरे में से सबसे अच्छी कौन सी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो गो हिट द लाइक बटन एंड डोट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू जडियोगे नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो क्योंकि वहां पे भी हम काफी ज्यादा क्रेज कॉन्टेंट अपलोड करते हैं आई विल गेट बैक टू यू वेरी सुन बाय बाय